वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है भाई दूज, सो आप सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज। सो अभी हम लोग बाहर पूजा होती है यहाँ पर, मेरे वहाँ खारीपुरा में नहीं होती, यहाँ पर होती है। तो वो पूजा होगी, मुझे नहीं पता क्या होता, चलकर देखते हैं। वो पूजा करते हैं फिर हमारे होगा तिलक। तो घर से भी भैया वगैरह आते ही होंगे, तो पहले वो पूजा करते हैं फिर तिलक होगा हमारे, फिर भैया आएंगे, तो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। गाइस ये रहे गोवर्धन बाबा और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं इनकी पूजा। खारीपुरा में मैंने ऐसा नहीं देखा, वहाँ पर ये सब नहीं होता था। मतलब गोवर्धन की पूजा दोष के दिन सिर्फ रात में होती थी, जो होता है उनको खूंदा जाता था, बट सुबह लेडीज़ें करती हैं, कहानी सुनाई जाती है, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा था। गाइस ये मेरा प्यारा सा घर है, बहुत बड़ा घर है मेरा, बहुत बड़ा, तो पूरा दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। सो ये मेरा घर है, पर बहुत अच्छा लगा ये पूजा, बहुत अच्छी लगी, बहुत यूनिक थी। मतलब यूनिक यूनिक चीज़ें होना, प्यारी प्यारी रस्में, पूजा पाठ, छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। सो ये बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारा। यहाँ पर भाई के ऊपर पूजा करी जाती है, भाई की कहानी सुनाई जाती है, भाई और बहन की दोष क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कौन थे जिन्होंने शुरू करा। तो सब लोगों के हल्दी से हाथ ऐसे रंग दिए गए थे और फिर हम लोगों ने ग्यारी वगैरह करी और हवन वगैरह जो होता है, और दादी हमारी कहानी सुनाती जा रही थी। गाँव बगल की कुछ पड़ोस की लेडीज़ें भी आ गई थी और पूरी कहानी सुनी। तो गाइस मतलब इतना अच्छा सुना रही थी ना दादी, बहुत प्यारी कहानी थी और बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने इसको व्लॉग में नहीं लिया कहानी को, बट मैं आगे आपको थोड़ी सी सुनाऊंगी ज़रूर। और बाकी मैं खारीपुरा में भी बोलूँगी मम्मी से कि ये कहानी जो ये सुबह पूजा पाठ है ये वहाँ भी किया करें, क्योंकि ये बहुत प्यारा लगा मुझे। बाकी आप थोड़ी बहुत कहानी आप लोग भी सुन लीजिए, ज़्यादा तो नहीं सुनाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ी सी आप भी सुनिए। नचते फिर मेरे पीछे गावे बजावे नचते फिर। अब बिन ने कही अब जीत है या बाका रोटी करे भज्जा कर, रोटी करी और बनाओ और रोटी करो। फिर मैंने अपने दार कड़ी चावल सो करो से करो, फिर थरिया पास शीश हुई तो फिर अपने थरिया में कीड़ा ही कीड़ा। अब बिन्ने कही के अब हम बाबा के जरा जाते उस मठी में गई, उस बाबा के जरा भज के गई तो बाबा महाराज कहा बात है भाई ऐसा मत ना। अरे कही नहीं सुबह पीछे पड़ गई बाबा पाए पकड़ लाए मेरे बाबा महाराज तुम। सो गाइस कहानी के बाद जो ये मतलब ये चिपके हैं जो कॉटन के, ये हमारे जितने भाई होते हैं उतने हाथ बनाए जाते हैं। तो मेरे दो भाई हैं तो उनके चार हाथ बनाए हुए हैं, तो इन हाथों को हम चिपकाएंगे कहीं पर ले जाकर एकांत जगह में। ये सब लोगों के जितने जितने भाई होते हैं उतने उतने हाथ बनाए जाते हैं। तो मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा ही हाथ आ गए थे, मतलब एक्स्ट्रा, तो मुझे सिर्फ मेरे सिर्फ चार थे और इनको हम कहीं एकांत जगह में चिपका देंगे। और फिर जो दौची दौजा होते हैं दीदी ने उनको पूजा, जो कि मैं घर पे पूजती थी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे होंगे। सो ये दीदी दौची दौजा को पूज रही हैं यहाँ पर और मैं उनके फ़ोटो क्लिक कर रही थी। देन इसके बाद आती है तिलक की बारी। तो यहाँ पर भैया हैं, ये मेरे भाई भैया हैं, मतलब इनके बड़े भाई। सो अभी इनका तिलक हुआ और ये कहीं जा रहे थे, जल्दी जल्दी मैंने इनका तिलक किया और यहाँ दीदी को मिलती है दक्षिणा। सो भाई साहब दोष पर तो यही होता है कि हम लड़कियों को भाई यही लगता है कब क्या मिलता है गिफ्ट दोष पे। फिर हुआ भाभी का तिलक, फिर हमारा होगा और मैं वेट कर रही थी नीजू भैया सर्विसी भाभी का, वो लोग भी आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। फिर यहाँ पर मेरी दीदी ने सब लोगों को धीरे धीरे तिलक किया, देन भाभी की बारी।
सो गाइस भैया भाभी आ गए हैं, लोगों का यहाँ पर खाना पीना चल रहा है। बहुत देर के आ गए थे, नाश्ता पानी करके बैठे हुए थे तब से, फिर खाना पीना हुआ और अब होगा हमारा तिलक। अब मैं इन लोगों के तिलक करूँगी। इसके बाद हम गए नानी के घर। निजू भैया और भाभी को नानी के घर जाना था। नानी के घर मेरे घर के पास में ही है, सो हम लोग नानी घर आए थे। थोड़ा हमने मामा के लड़के वड़के को तिलक किया और यहाँ पर थोड़ा बैठे नानी के पास। भैया भाभी भी घूम गए थे नानी के पास, सो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे। नानी बैठी है हमारी, मामी वगैरह, सो हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं नानी से। दिन इसके बाद हमने चले गए टीकरी त्रिमुखा मैया। जैसा कि आप लोग पता है, एक दो बार मैं गई हूँ, व्लॉग आपने देखा वो त्रिमुखा माता का। सो हम लोग वहाँ टीकरी गए हैं जो कि मेरे गांव से थोड़े ही पास में है। और आज भाभी भैया घर पे रुकने भी वाले हैं, इसलिए हम आराम से सब कुछ कर रहे हैं। ये है मंदिर हमारा त्रिमुखा मैया का, और जो महाराज जी बैठे हैं कमलदास महाराज, ये रहे सामने ही, उनके दर्शन हो गए। बहुत अच्छे महाराज हैं, बहुत अच्छा प्रसिद्ध आश्रम है ये, बहुत सच्चा धाम है आप कह सकते हो, बहुत सच्चा धाम। तो हम लोग यहाँ आ गए थे टीकरी में दर्शन करने के लिए मैया के, और आज भाभी भैया यहीं रुकेंगे। तो हम लोगों ने टीकरी में यहाँ पर बहुत टाइम दिया माता रानी को, बहुत सारा। हमने एक दो घंटे राम धुन भी बोली, जो हरे जय श्री राम वगैरह बोलते हैं, बहुत बहुत बैठे, बहुत अच्छा लगा। पर महाराज जी के पास बैठे हैं और यहीं पर हम लोग राम धुन कर रहे थे। सो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, घर पे आते आते भाभी भैया भी रुके थे, तो खाने पीने में बहुत बिजी हो गई, तो मैंने लास्ट का शूट नहीं कर पाया। सो मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। होप आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। थोड़ा लेट हो गया था व्लॉग डालने में, और बाकी घर का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारे गेस्ट भी थे, दोस्त था, तो घर पर मैं लेट पहुँची थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और फिर हम लोग भाभी वगैरह रुके थे, तो खाना पीना खा के हम लोगों ने बातें शादी करी, तो मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई। सो वीडियो को करते हैं एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, जय माता दी।